हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके फाउंडर। ठीक है, इस टॉपिक से आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो इस टॉपिक को आपको कवर करके जाना है। ठीक है, टोटल 25 MCQ क्वेश्चंस हैं और सारे MCQ प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए उम्मीद आप कर सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकता है। तो इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, याद ही कर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। ओके, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, इनका क्या नाम है। इनका नाम है केशव चंद्र सेन। ओके, द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अक्टूबर 1870। ये कब फॉर्म्ड हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1870 को। किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के कौन है संस्थापक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा मैडम ब्लavatsky, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये कब फाउंडेड हुआ था, तो 1875 में फाउंडेड हुआ था। किसने किया था, तो यही मैडम ब्लavatsky ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रिफॉर्मर ऑफ ऑपरेस्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस। ओके, तो कौन है रिफॉर्मर, सुधारक कौन थे ऑपरेस्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस के, तो राइट आंसर होगा B.R. अंबेडकर। तो B.R. अंबेडकर जो ही थे वो रिफॉर्मर थे ऑपरेस्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ओके, तो कौन है फादर, राइट आंसर यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहां पर राजा राम मोहन राय, है ना। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में अगर आप देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास वेयर द फाउंडर्स ऑफ अ पार्टी नोन एज द। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास एक पार्टी के संस्थापक थे जिसे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वराज पार्टी। ओके, स्वराज पार्टी, इस पार्टी को किसने फाउंड किया था, तो मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने किया था। कब, तो 1923 को। ओके, तो 1923 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत, अभिनव भारत वाज फाउंडेड इन 1904 एज अ सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज बाई। ओके, तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुई, 1904 को हुई थी। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई, 1904 में, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज के रूप में, किसके द्वारा की गई थी, तो किसने किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी कि V.D. सावरकर ने इसका फाउंडेड किया था अभिनव भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू। ओके, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन संबंधित है किससे, चार ऑप्शंस दिया है, क्या होगा स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है, तो राइट आंसर होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 से संबंधित है। द ग्रेट इंडियन फाइटर बाल गंगाधर तिलक वाज द वन हु हैड इनकरेज स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट आफ्टर द ब्रिटिश गवर्नमेंट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, तो बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने की, पश्चिमी शुरुआत की शुरुआत किसने की, तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ओके, राजा राम मोहन रॉय हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये हैं फाउंडर आर्य समाज के। कब किया था, तो 10 अप्रैल 1875 को। ओके, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपको 110% है कि आ रहा होगा, राजा राम मोहन रॉय थे, 1828 में जो है इसका स्थापना किया था उन्होंने ब्रह्मो समाज का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनटू एक्सपेंड ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ओके, तो भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी, किसने की थी, ये भी प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया है, तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856 इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ओके, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्वशासन का जनक कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल को, तो राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, किस गवर्नर जनरल को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो किस पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, चार ऑप्शंस दिए हैं क्या होगा राइट आंसर, तो किस किस का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था। ठीक है, द फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ऑन June 22, 1939 बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। तो किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइए कि किसका स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो साबरमती आश्रम इसका किया था उन्होंने, सेवाग्राम आश्रम ये भी महात्मा गांधी ने किया था, उसके बाद है फोनिक्स आश्रम, इसका भी जो है स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जो है विश्व भारती इसका स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विश्व भारती को किसने फाउंडेड किया था, इसकी स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कोलकाताज फर्स्ट आत्मीय सभा हेल्ड इन 1815। तो 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। ओके, राजा राम मोहन रॉय होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर कौन है। चलिए चार ऑप्शंस दिया है, बताइए क्या होगा राइट आंसर, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द कंसेप्ट सर्वोदय। ओके, तो सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन हैं। ओके, तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी। ठीक है, तो स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। तो ये आप जानते ही हैं 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक सभा इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सत्यशोधक सभा के संस्थापक कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता रहता है कि सत्यशोधक सभा के फाउंडर कौन है, तो कौन है, तो ज्योतिबा फूले जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर। ओके, सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले अ महाराष्ट्रियन सोशल रिफॉर्मर ऑन 24 सितंबर 1873 को इन्होंने जो है इसका स्थापना किया था सत्यशोधक समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन द USA। ओके, तो किसने द गदर पार्टी का स्थापना किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बखाना इन 1913 एट सैन फ्रांसिस्को USA। तो किसने किया था, लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह बखाना ने किया था 1913 में गदर पार्टी का स्थापना। नेक्स्ट है, द रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की,
तो इसकी स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है, तो 12 जनवरी 1863 को, और उनके बर्थडे के दिन ही हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि नेशनल यूथ डे कब होता है, तो 12 जनवरी को होता है। एक होता है इंटरनेशनल यूथ डे जो कि 12 अगस्त को होता है। और रामकृष्ण मिशन को किसने फाउंडेड किया, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब, तो 1897 में, यानी 1897 में स्वामी विवेकानंद जो है स्थापना किया था रामकृष्ण मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर कौन है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुभाष चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है, तो ये किया है भगत सिंह ने। ओके, भगत सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी नौजवान भारत सभा का। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट और भी हैं, इसको भी आप याद कर लेंगे, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर कौन हैं, तो विलियम जोन्स हैं। गर्ल स्कूल के फाउंडर कौन हैं, तो ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सत्यशोधक समाज का भी स्थापना किया था। हिंदू महासभा के फाउंडर कौन हैं, मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। होम रूल लीग के फाउंडर कौन हैं, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन हैं, तो ए ओ हुम। खिलाफत मूवमेंट के कौन हैं फाउंडर, अली ब्रदर्स। स्वतंत्रता श्रमिक पार्टी के फाउंडर कौन हैं, बी आर अम्बेडकर। और वेद समाज के फाउंडर कौन हैं, तो आचार्य केशव चंद्र सेन। तो ये भी जो है आप याद कर लेंगे, ठीक है, 9 और भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये भी आप याद कर लेंगे। तो प्रीवियस में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में करवा दिया, और ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका कवर हो गया होगा, आपका रिवीजन भी हो गया होगा, और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे एसएससी क्रैकर्स के टेलीग्राम चैनल से। ओके, जिसका लिंक नीचे दिया होगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट आप करके बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।